नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं तुला यानी लिब्रा राशि का जुलाई महीने का भविष्यफल। इस महीने के फल को मैं दो भागों में बांट सकता हूं। अगर पहले पक्ष की मैं बात करूं, फर्स्ट फोर्टनाइट की, मैं बोलूंगा ये बहुत ही बढ़िया है। जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं इसमें आपको संपन्न कर लेना चाहिए, उनको पेंडिंग में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसका फैसला आने को है, तो अगर एमिकेबली यानी आपसी सहमति से अगर आप उसका समाधान कर लेंगे तो आसानी से वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। और अगर कोई डील करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को लेकर या वाहन को लेकर या कोई अन्य डील करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है, इस दौरान में करना चाहिए। तो फर्स्ट फोर्टनाइट में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, कोई नौकरी की तलाश में है या एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस दौरान में कोई एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, लोगों का आपका साथ रहेगा, किसी नवीन पार्टनरशिप में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर परिजनों का भी माहौल बना रहेगा, सहयोग बना रहेगा। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है। जो सेकंड फोर्टनाइट है वो थोड़ी मिश्रित है। वहाँ पर जो पहले गतिशीलता थी कार्यों में, वो गतिशीलता अब आपको देखने को शायद ना मिले। तो इस अवस्था में आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और जहाँ अटको आप, जहाँ भी आपको लगे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो बेहतर होता है कि हम सलाह ले लें। उनकी सलाह अवश्य लेना चाहिए जिन लोगों को हम ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा लेना देना है। सलाह तो आदमी एक दूसरे से लेते रहता है, कभी सामने वाला भी आपसे लेता है और कभी आपको भी लेना चाहिए। तो संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई जो ग्रह स्थिति होती है वो हमको एक निर्देश देती है, अगर ऐसा किया जाए तो इस रास्ते से निकला जा सकता है, और ऐसा ना किया जाए तो इस रास्ते में फंस सकते हैं। तो यह एक वो है, और विष्णु का सहस्त्रनाम जो है उसका मंत्र अगर आप कर लें, पूरा पाठ भी कर सकें, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। धैर्य से काम लें, संयम से काम लें। थोड़ा सा समय टफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला भी नहीं है।